तकरीबन तूफानों का नाम 20वीं शताब्दी में देना शुरू हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले दिया था। और ऑस्ट्रेलिया जो है तूफानों का नाम अपने राजनेताओं के नाम पर रख देते थे जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। वक्त के साथ कैरेलियन आयरलैंड के लोग तूफानों के नाम संतों के नाम पर रख देते थे। इसके बाद तूफानों को नाम देने के मामले में अमेरिका जो है वो दुनिया में चौधरी बन गया। अमेरिका हर साल 21 नामों की लिस्ट तैयार करता जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर से एक नाम रखा जाता, लेकिन क्यू यू एक्स वाई जेड से नाम नहीं रखे जाते। अगर साल में 21 से ज़्यादा तूफान आते हैं तो उसका नाम ग्रीक अल्फाबेट अल्फा बीटा गामा रख दिया जाता। और तूफान के नाम में यह भी ध्यान रखा जाता था कि अगर सन जो है सम संख्या में है तो तूफान का नाम आदमी के नाम पर रखा जाता, और अगर विषम संख्या में साल है तो औरत के नाम पर नाम रखा जाता। और एक नाम जो है वो 6 साल में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, 6 साल के बाद ही वो नाम इस्तेमाल किया जाता। ज़्यादा तबाही मचाने वाले तूफानों के नाम को रिटायर कर दिए जाते थे, जैसे कैटरीना। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ अपने सिस्टम थोड़ा अलग है। भारत सारे नाम खुद तय नहीं करता। भारत के तूफानों के नाम देने का चलन 2004 में शुरुआत हुई। उस वक्त भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन देशों ने तूफान के नाम देने का एक फॉर्मूला बनाया। ये सभी देश अपनी अपनी नामों की लिस्ट बनाते, जैसे भारत अग्नि, आकाश, मेघ, बादल आदि जैसे नामों का प्रयोग करता, वहीं ये सभी देश अलग अलग नाम प्रयोग करते। नाम देने के लिए इनमें से कहीं आए तूफानों के नाम के लिए सभी देशों द्वारा नाम भेजे जाते और उनमें से एक नाम चुना जाता। अपने यहाँ सिस्टम में नाम 10 साल में एक से ज़्यादा बार यूज नहीं किया जाता। ज़्यादा तबाही मचाने वाले का नाम को रिटायर कर दिया जाता है। इस बार नाम देने के वाला जो देश है वो म्यांमार है, और इसने नाम दिया ताउते, टी ए यू के टी ए ई। ये जो ताउते है बहुत गंभीर चक्रवात की कैटेगरी में रखा गया है। ताउते अरब सागर में लगातार विकसित होने वाला चौथा चक्रवात है। ताउते बर्बेज भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में गेस्कोस कहते हैं, और गेस्को का मतलब होता है कि एक छिपकली की प्रजाति है गेस्को, जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। इसलिए ताउतों का अर्थ जो है वो है शोर मचाने वाली छिपकली।